संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमस्कार प्रिय बंधुवर, ओम शब्द की महिमा सनातन धर्म में वेद शास्त्रों में अनंत काल से चली आ रही है। आज वैज्ञानिकों ने भी इस बात को मान लिया है कि जो ब्रह्मांड की जो मूल ध्वनि है वो ओम के नाद के समान है। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना, समस्त योगी लोग इस ओंकार का ध्यान करते हैं और ये समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला, मोक्ष को देने वाला है और सब प्रकार के मनोरथ को पूर्ण करने की सामर्थ्य इस ओम के नाद में है। इस ध्वनि का हमें नित्य अभ्यास करना चाहिए। ओम का उच्चारण, ओम का नाद प्राणायाम के साथ अपने नित्य संध्या में अगर हम इसको करें तो एक अनंत ऊर्जा शक्ति, अनंत आनंद की अनुभूति हमको होगी। यहाँ पर लेकर एंटीना के माध्यम से ओमकार की जो ऊर्जा शक्ति है उसको नापा जा रहा है। तो आप देखिए किस प्रकार लेकर एंटीना 17.7 जो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिवाइनिटी को इंडिकेट करता है, कैसे ठीक प्रकार से ओम की ध्वनि पर ये उसकी प्रेजेंस को दिखाता है, दर्शाता है। इंस्ट्रूमेंट है, वैज्ञानिक इंस्ट्रूमेंट है, ये क्वांटम रेजोनेंस एनालिटिकल सिस्टम बेस्ड है, नैनो टेक्नोलॉजी का बेस्ट डिवाइस है। ये हर प्रकार की एनर्जी को स्केल कर लेता है और इसके अलावा फ्रीक्वेंसी, एक फ्रीक्वेंसी होती है जिसमें 17.7 जो फ्रीक्वेंसी है वो हाईएस्ट ऑर्डर डिवाइनिटी को इंडिकेट करती है। हाईएस्ट ऑर्डर डिवाइनिटी का मतलब होता है कि जहां पर ऊर्जा अपने मैक्सिमम लेवल पे हो। कौन सी ऊर्जा? कॉस्मिक एनर्जी, टेलोरिक एनर्जी, ग्लोबल एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, ये सारी ऊर्जा जहां पर मैक्सिमम है वहीं पर ही 17.7 पे एंटीना डाउन होता है। और एक जो ओम की ध्वनि है वो ये सारी ऊर्जा पैदा करती है। तो ऐसा कोई घर का वास्तु दोष नहीं छूटता जिस ओम की तरफ से दूर ना हो। तो अब आपने ओम का उच्चारण करना है और ये एंटीना नीचे जाना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं लिया तो इसका मतलब आपने ऊर्जा पैदा ही नहीं की, ठीक है। तो मैं इसको पकड़ूंगा, आपने लंबा सांस लेना है और ओम को उसको छोड़ना है। आगे आप खुली रखिए ताकि दिखता रहे आपको कि नीचे जा रहे कि नहीं जा रहे, और अगर नहीं गया तो इसका मतलब आप सब फेल हो गए परीक्षा में, ठीक है। तो आप लंबा सांस भरिए भीतर, शुरू करिए ओम बोला शुरू करिए। सुरक्षित
अगर वो कमजोर हो गई तो स्थूल शरीर को आप बचा नहीं सकते, वो चीज कोई ना कोई अंदर आएगी आएगी। तो ये तरीका है उसको बचाने का। आप अगर इस तरीके से रोज 10 मिनट 15 मिनट का अभ्यास अगर करते हैं तो आप ये देख लीजिए कि आपका जो सबटल बॉडी है वो कितनी स्ट्रांग हो जाती है, आपका मनोबल आत्मबल इस कदर बढ़ जाता है कि फिर आप आनंदमय जीवन जीते हैं।